है ना वो कैसी आ रही है वो आप सुनो बस, सुन रहे हो ना आप। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास S23 है एंड यहाँ पर आप इसकी जो ऑर्डर डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट ओपन करके। एंड आप देखो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर डेट है, मैं रिफ़्रेश भी एक बार कर देता हूँ, मतलब आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको फेक ना लगे कुछ। तो देख सकते हो ये बिग बिलियन डे में मैंने ये फ़ोन जो है ऑर्डर किया था। एंड ये फ़ोन को अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है ऑर्डर किए हुए, एंड इसमें एक सीरियस इशू है, मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, एंड वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर से कर देना गाइस। तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पर ये जो 256 GB वाला वेरियंट है ये, एंड ये देख सकते हो वाइट कलर वाला S23 है, एंड बिल्कुल नया है। अभी मैंने इसको जो है लेमिनेट करा के एंड सारी चीज़ें करा के मैं लेकर के इसको आया हूँ। एंड उसके बाद इसमें जो एक अपडेट आया हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला अपडेट है वो। तो देख सकते हो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो, 1 सितंबर 2024 वाला है एंड 1 UI 6.1 है। तो यार ये नया फ़ोन है, अभी नया फ़ोन मैंने मंगाया, मैंने आपको दिखा भी दिया यहाँ पर कि जो फ़ोन है वो डेट क्या है, सारी चीज़ें दिखा दिया। अब आप इसमें जो इशू है ना वो देखो, मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, देन उसके बाद इसका जो रिंग टोन है मैं बजा रहा हूँ, आप सुनो बस, जो यहाँ पे आवाज़ आ रही है ना वो कैसी आ रही है वो आप सुनो बस, सुन रहे हो ना आप। देख सकते हो मतलब स्पीकर में जो है यहाँ पर डिस्टॉर्शन आ रही है। एंड तो गाइस वो जो डिस्टॉर्शन है वो सिर्फ इस स्पीकर में नहीं आ रही, मतलब नीचे वाले ऊपर वाले में भी आ रही है। लाइक अगर हम किसी को कॉल करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो वहाँ पे भी सेम इशू आ रहा है। लाइक उसकी आवाज़ एक्चुअली में समझ में नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहा है, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आने लगा है। एंड इस फ़ोन को ख़रीदे हुए अभी 10 से 15 दिन भी नहीं हुए हैं सही से, एंड उसके बाद ये जो है इशू आने लगा है। तो 1 UI 6.1 अपडेट करने के बाद ये इशू आया था, जब मैं इसको मतलब जब ये फ़ोन आया था मेरे पास, जब मैंने उसको सेटअप किया था उस टाइम पे कोई चीज़ें प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब अच्छे से चल रही थी चीज़ें, कोई भी दिक्कत नहीं थी, मतलब ये प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। एंड उसके बाद जब मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद जब फ़ोन रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट होने के बाद उसके बाद जब मैंने कोई चीज़ यहाँ पर प्ले किया, गाना या कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से डिस्टॉर्शन देखने को मिली। एंड यहाँ पर ये बहुत ही सीरियस इशू है S23 में। लाइक इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद अगर ये चीज़ें आए हैं तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड, एंड कंपनी को जो है इसको सही करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये इतने महंगे फ़ोन लेने के बाद अगर ये चीज़ें हो रही हैं ना गाइस, तो अच्छी बात नहीं है। एंड कोई भी रहेगा तो वो परेशान ही हो जाएगा, मतलब नया फ़ोन लेने के बाद 10-15 दिन के बाद ही अगर ऐसे इश्यूज आने लगे तो दिस इज़ टोटली डिसअपॉइंटिंग। एंड यहाँ पे कंपनी को जो है चीज़ों को अपडेट करके एंड सही करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर 1 UI 6.1 का अपडेट आने के बाद यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया फीचर्स आया हुआ है इसमें, लगभग सारी चीज़ें पुरानी ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पे गैलेक्सी AI का फीचर यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ मतलब कुछ इतना इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है। एंड एक चीज़ और, ये फ़ोन यार हीट बहुत ज़्यादा करता है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। एंड यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बहुत कम है, मतलब जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो है, चार्ज बहुत तेज़ नहीं हो पाता इस फ़ोन में। तो यार अगर आप मतलब S23 लेने का सोच रहे हो ना तो ये वीडियो देख लेना, उसके बाद अपने हिसाब से समझ के सोच के तब इस फ़ोन को लेना, ठीक है। वैसे ये फ़ोन बुरा नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप झेल सकते हो तो ले लो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप, फ़ोन एकदम बिल्कुल ही नया है। तो यार मुझे लगा कि ये YouTube पे एक वीडियो बना के इसके बारे में बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग अवेयर रहेंगे तो सही चीज़ें एंड सही प्रोडक्ट सही जगह पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको वीडियो पसंद आई यार तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, जय हिंद।